हेलो गाइज, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी कारों की जिन्होंने लास्ट के टाइम पे काफी ज्यादा केओस मचा दिया है मार्केट में। काफी ज्यादा लोग हल्ला मच गया है कि यार कौन सी कार बेटर है। हम बात कर रहे हैं मारुति जिम्नी एंड महिंद्रा थार की। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी कार कितनी प्रैक्टिकल है इस बारे में बात करेंगे। हम किसी की ऑफ रोड कैपेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सी कार ज्यादा प्रैक्टिकल है। आई माई सेल्फ, मुझे खुद थार बहुत पसंद है। मैं खुद एक थार लवर हूँ, बट कोई बुरा मत मानना, लास्ट तक पूरी वीडियो देखना एंड उसके बाद आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो गाइज, आज की वीडियो सिर्फ टोटली कौन सी कार कितनी प्रैक्टिकल है इसी पे बेस्ड है। सो बात करते हैं मारुति जिम्नी की। सो मारुति जिम्नी, यार मैं कंपेयर करूँ ना तो मारुति जिम्नी में अगर मैं सिटी पर्पज से बात करूं तो ये कार महिंद्रा थार से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे लगती है। इस कार में अगर आप देखो, जैसे कि अभी तो थार का भी फाइव डोर वर्जन आने वाला है बट अभी तक आया नहीं है। करंट सिचुएशन की बात करूं तो करंट सिचुएशन में ये कार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है कंपेयर टू थार, बिकॉज इसका जो कॉम्पैक्ट साइज है ये कहीं ना कहीं इसको सिटी के लिए ज़्यादा बेटर बनाता है थार के मुकाबले। बिकॉज कॉम्पैक्ट होने की वजह से सिटी पे आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। इसके साइज की वजह से ये कार बहुत अच्छी बन जाती है सिटी ट्रैफिक में ड्राइव करने के लिए। सेकंड थिंग मैं बात करूंगा वो है कार की माइलेज। ऑल्दो यार आप एक कार ले रहे हो, आपको सिटी ड्राइव करनी है, आपको ऑफ रोडिंग बहुत कम करनी है, उस केस में माइलेज भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है लोगों के लिए। तो उस केस में एक जिम्नी आपको एक प्रैक्टिकल कार इसलिए भी है कि यह आपको एक अच्छी माइलेज निकाल के देती है। अगर आप थार से कंपेयर करो, चाहे थार डीजल से कंपेयर करो, चाहे थार 4x2 से कंपेयर करो, पेट्रोल से कंपेयर करो, ये हर मुकाबले में आपको थार से ज़्यादा अच्छी एवरेज निकाल के देगी। तो उस सेंस में भी देखा जाए तो ये कार ज़्यादा प्रैक्टिकल है थार के अकॉर्डिंग। अगर बात की जाए, यार थार ना बहुत रगेड कार है, बहुत इसमें जो फीचर्स थे महिंद्रा ने कुछ कई सारे फीचर्स पुराने ही रखे हुए हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया। फ्यूल लेड आपको ओपन करने के लिए आपको कार से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको मैन्युअली फ्यूल लेड ओपन करनी पड़ेगी, जो कभी कभी काफी इरिटेटिंग हो जाता है। आजकल सारी कार्स में ये ऑप्शन आते हैं, यार आप अंदर से ही अपना फ्यूल लेड ओपन कर सकते हो और जिम्नी में आपको ये फीचर्स मिलता है। तो ये सब छोटे छोटे फीचर्स हैं जो इसको काफी प्रैक्टिकल बना देते हैं इस कार को। बात की जाए कार के रियर सीट कंफर्ट की, तो आपको किसी भी सेंस में अगर आप देखोगे, आप थार की रियर सीट में बैठो और जिम्नी की रियर सीट में बैठो, ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट साइज है तो स्पेस थोड़ा कम है, बट फिर भी रियर सीट ज्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू थार। आपको इजिली आप रियर सीट एक्सेस कर सकते हो, आप इजिली रियर सीट पे बैठ सकते हो। एंड आई नो थोड़ा थाई सपोर्ट आपको कम मिलेगा, हो सकता है थोड़ा रिक्लाइन एंगल भी कम मिलेगा, बट कंपेयर टू थार इसकी रियर सीट ज्यादा कंफर्टेबल है। बात करी जाए यार, जिम्नी एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, आपको इस कार का ऐसा कुछ नहीं है कि इस कार को से आपको सेफ्टी को लेके कोई इशू होगा। ये मारुति का एक ग्लोबल प्रोडक्ट है और सेफ्टी वाइज भी इस कार में कोई ऐसा इशू नहीं है। मारुति ग्लोबली इस कार को बेच रही है एंड इस कार की अगर आप बात करेंगे, एक्सेसरीज भी बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। ग्लोबल प्रोडक्ट है इसीलिए आपको इस कार की एक्सेसरीज वगैरह भी इजीली कहीं पे भी मिल जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट है जो इस कार को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कार बनाते हैं कंपेयर टू थार। थार आई नो थार एक इमोशंस हो गया है लोगों के लिए, थार जिसको पसंद है, मुझे जैसे मैंने आपको बताया मेरे को भी थार बहुत पसंद है, तो थार एक इमोशन के साथ जुड़ गई है लोगों के। और बट अगर बात की जाए प्रैक्टिकलिटी की, तो नो डाउट यार जिम्नी किसी भी टाइम पे प्रैक्टिकलिटी के मामले में थार से आगे है। आप बात करोगे यार सिटी, आप देखो आप 4x4 कार ले रहे हो, कितने लोग 4x4 कार लेके इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। अगर जितने लोगों ने थार ले रखी है, कितने लोग इसका ऑफ रोड यूज करते होंगे? नहीं करते। जो लोग करते हैं उनके लिए ठीक है, मैं मानता हूं कि उनके लिए थार का शायद सब्स्टिट्यूट ना आ पाए कोई, या उनको लगे कि शायद थार का उनको कोई सब्स्टिट्यूट ना मिले। बट जो लोग इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी यूज नहीं करते और जिनको एक शो के लिए लेते हैं, एक शो ऑफ के लिए ले लेते हैं थार, उन लोगों के लिए आई थिंक जिम्नी एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप उसको सिटी में यूज कीजिए। तो जो लोग कंफ्यूज हैं इस कार के लुक को लेकर, यार उन्हें बताऊं कि यार इस कार में थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस कराइए एंड फिर देखिए कि इस कार का लुक कितना एनहांस होता है। आप इसके टायर को अपग्रेड करा के देखिए, ग्लोबल कार है, एक्सेसरीज बहुत सारी मिलती है यार इस कार के लिए। आप इस कार की एक्सेसरीज मार्केट में सर्च कीजिए, आपको इजिली मिल जाएंगी और बहुत अच्छी अच्छी एक्सेसरीज है, और एक्सेसरीज लगाने के बाद कार के लुक टोटली चेंज हो जाएंगे
एंड ये कार आपको कहीं पे भी इसकी रोड प्रेजेंस में भी इतना डिफरेंस आ जाएगा ना, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया गुड लुकिंग कार लगेगी उसके बाद, एंड अभी भी कार अच्छी लग रही है, ऐसे कोई बात बुरी नहीं लग रही है कार। बट ऑब्वियसली थार है यार, थार का लुक, थार की रोड प्रेजेंस एक अलग ही चीज है, एक अलग ही स्वैग है थार का। सो उसको मैं शायद ना बीट कर पाए, बट ऐसा नहीं है कि ये कार देखने में खराब है मारुति की जिम्नी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर आप चाह रहे हो अगर इस कार को लेना, तो ये एक बहुत अच्छा सब्सिट्यूट हो सकता है आपके लिए। अगर आप सिटी पर्पस के लिए देख रहे हो तो नो डाउट थार में जाने से बेटर है आप जिम्नी लीजिए, ज्यादा प्रैक्टिकल कार है एंड ज्यादा मजा आएगा आपको इसको चलाने में। यार जैसे मैं पहले बताया, वेट इसका कम है, इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी आप डाउट नहीं करिएगा, ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है कार की, और बहुत ज्यादा कैपेबल है ये कार ऑफ रोडिंग के लिए भी। तो अगर आप बहुत थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करते हैं, मेजरली आपको सिटी में चलना होता है, तो उसके लिए तो मैं बोलूंगा बहुत प्रैक्टिकल कार है और आप इस कार की तरफ जा सकते हैं, मेरा ओपिनियन यही है। एंड आई होप आप लोग भी मेरे ओपिनियन से सहमत होंगे, एंड अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर आपके ओपिनियन मुझसे डिफरेंस करते हैं, कुछ अलग ओपिनियन है आपके, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो जिम्नी एक ज़्यादा प्रैक्टिकल कार है कम्पेयर टू थार, और आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकलिटी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कौन सी कार कितनी प्रैक्टिकल है। तो मेरे हिसाब से जिम्नी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, बहुत छोटी सी वीडियो थी, मेरा ओपिनियन था इस कार के बारे में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आप अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए